किसान बंधु नमस्कार, हमारे जैविक ड्रैगन फ्रूट फार्म में आप लोग को स्वागतम है। देखिए हमारा केओलिन पाउडर आज हम स्प्रे कर रहे हैं। ये मेरा पूरा जैविक खेती है, आज हम केओलिन पाउडर स्प्रे कर रहे हैं और केओलिन पाउडर हमने लीटर एक लीटर जल में 100 ग्राम हमने रखा है, तो उसे केओलिन मापूला माप के रखा है। मान 90 लीटर पानी है, हमने इसको पूरा इसके अंदर डाल दिया। और फिर हम इस तरह इसको घोल दिया, देखा इसके अंदर पूरा दूध की तरह बन जाता है और इसमें कोई आपको वेस्ट की तरह नहीं रहेगा। अच्छा, उसके अंदर हमने ये दिया है, देखिए ये नैनो सल्फर, ये जैविक खेती में आपको मिलेगा और इतनी तगड़ा चीज़ है। आपको जो कोई भी फंगस है, आपको पता है जहाँ सल्फर रहता है वहाँ फंगस नहीं रहता है, जहाँ आयरन रहता है और जहाँ पर मैग्नीज रहता है वहाँ कोई रस्ते चक फिट नहीं रहता है। और उसके साथ हम ये दे रहे हैं, आप देखिए हमारा ये आटा दे रहा है इसमें, इसमें डोज की 100 लीटर पानी में आपको देना है ओनली फॉर 60 ml। तो हम और फिर दोबारा लिखा है 100 ml जल में पानी में 100 ml आप दे सकते। तो हम इसमें 90 लीटर हमारा पानी है, इसके अंदर हम 90 ml हम दे रहे हैं। तो ये आपको ये पूरा हमारा 60 ml है, ये दे दिया। अभी हम और 30 ml इसके अंदर ऐड करेंगे, ये हमारा 30 ml की है, ये हम 30 ml और दे दिया। इसको हो गया हमारा इसको 90 लीटर और पानी हमने, अभी हम पूरा इसको घोल देंगे पूरी तरह से। हमने पूरा घोल दिया और एक बार देखिए किस तरह से इसको पूरा झाग बना दिया। अच्छा, ये हो गया। अभी देखिए हम हमारा ये पूरा जैविक खेती है इस, और देखिए कि हमारा आज तक हमने इतने ताप प्रवाह चला, कल 43 डिग्री टेम्परेचर था, फिर भी मेरा ज़मीन में कोई आपको सानबान इतना नज़र नहीं आएगा। और आपको दूसरा साइड दिखाता हूँ मैं, इक्विवेलेंट पाउडर स्प्रे करने के बाद मेरा ज़मीन कैसा दिखाई दे रहा है। हमने एक लाइन किया है और देखिए ये है केओलिन पाउडर का स्प्रे है। और अगर कोई बंदा का केओलिन पाउडर अगर चाहिए तो मेरा से संपर्क कर सकता, मैं आपको मदद करूँगा। थैंक यू, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।